पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है। माय गॉड, गदर 2 फिल्म के ट्रेलर से पहली झलक आई सामने। फिल्म की झलक देख थम जाएगी सांसें। सनी पाजी बॉक्स ऑफिस पर जब जब अपनी स्टाइल में आए हैं, तब बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि पिछले कई समय से उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कलेक्शन नहीं करती जो 90s और 80s के दशक में उनकी फिल्में किया करती थी। बता दें कि सनी देओल उनके समय में एक सुपरस्टार रह चुके हैं और वो अभी भी बॉक्स ऑफिस पर राज करने का उतना ही दम रखते हैं जो वो पहले रखा करते थे। बस उनको एक अच्छी स्टोरी वाली फिल्म चाहिए। पिछले साल ही रिलीज हुई चूप फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था और उस फिल्म में सनी देओल के रोल को भी दर्शक ने काफी पसंद किया था। लेकिन जो फिल्में सनी देओल की इस साल आएगी वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फिर से सनी देओल को किंग बनाने वाली है, क्योंकि इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में आने वाली है जिनमें पहली फिल्म होगी गदर 2। गदर 2 फिल्म का कौन इंतजार नहीं कर रहा। पूरे भारत में ये फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जितने चर्चे गदर 2 फिल्म के हो रहे हैं इन दिनों शायद ही किसी और फिल्म के हो रहे होंगे। हालांकि गदर 2 फिल्म की अभी तक तो रिलीज डेट भी सामने नहीं आई, लेकिन ये फिल्म से कई सारी ऐसी क्लिपें सामने आ चुकी है जो शूटिंग के दौरान की है। हाल ही में ट्रेलर से एक झलक भी सामने आई है जिनमें सनी देओल रथ का पूरा पहिया उठाकर दुश्मनों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। तारा सिंह का ये रूप देखकर आपकी सांसें थम जाएगी, क्योंकि जिस एनर्जी और एंगर के साथ सनी देओल दिखाई दे रहे हैं, आप एक सेकंड के लिए तो यकीन भी नहीं कर पाओगे कि सनी देओल 60+ एज के है। वही एनर्जी नजर आ रही है जो गदर के दौरान नजर आई थी। झलक में सनी देओल काफी दमदार लग रहे हैं। उनके सर पर सरदार की पगड़ी नजर आ रही है और ये लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बात करें हम फिल्म की तो बता दें कि गदर 2 फिल्म गदर का सिक्वल है। सनी देओल की गदर फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है और अब तकरीबन 20-25 साल बाद ये फिल्म का सिक्वल बना है जिसका नाम है गदर 2। ये फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल तो देखने को मिलने ही वाले हैं, लेकिन उसके अलावा उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे। वही उत्कर्ष शर्मा जो गदर 2 फिल्म में सनी देओल और अमीषा के बेटे का रोल निभाया था, अब वो काफी बड़ा हो चुका है। ये फिल्म में भी वो काफी बड़ा दिखाया जाएगा। फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बता दे तो ये फिल्म को डायरेक्शन दिया है अनिल शर्मा ने और ये फिल्म के राइट्स जी स्टूडियो ने खरीद लिए हैं। हाँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। जी स्टूडियो ने गदर 2 फिल्म के सारे राइट्स खरीद लिए हैं और ये फिल्म के गाने सब जी स्टूडियो पर रिलीज किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है गदर 2 फिल्म को लेकर और आपको कैसी लगी गदर के ट्रेलर की ये क्लिप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।